हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही सच्चे मन से मनाया जाता है। यहाँ देवी की आराधना बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। इन दिनों पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची हुई है। हर कोई पूजा पाठ करके माता को मनाने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि वैसे तो हमारी कुंडली और राशि से भी जीवन में फर्क आता है, अच्छे बुरे का भी हमें पता चलता है। कुंडली में ग्रहों का भी अलग महत्व होता है। ग्रह नक्षत्र में होने वाले परिवर्तन की वजह से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि की अंतिम रात माता इन राशि को अपना आशीर्वाद देने जा रही हैं। ये रात इन राशि के लोगों के लिए काफी ज्यादा सुहानी बनकर आने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी है वो तीन राशियां। वृष राशि। नवरात्रि की अंतिम रात में महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत से नए परिवर्तन देखेंगे। ग्रह आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कोशिशों से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार करेंगे और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग इस रात में माता की आराधना करके काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। इस राशि के लिए ये रात काफी ज्यादा सुहानी बनकर आ रही है। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बरसने वाली है। अचानक धन लाभ होने की वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मां लक्ष्मी जी का नाम लेकर शुरू किया गया व्यापार काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। क्रोध को त्याग कर शांति के मार्ग पर चले तो बेहतर होगा। कन्या राशि। आपको बता दें अंतिम नवरात्रि की रात को आपके जीवन में काफी कुछ बदल जाएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र से कई खुशखबरी मिल सकती है। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनको प्रेम संबंधी मामलों में अपार सफलता हासिल होगी। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।